बच्चों आज हम अभी नया स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अध्याय कौन सा, यही जीव जगत का जो वर्गीकरण जो वैसे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, इसके टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए, लेकिन आज मैं क्या लेकर आया हूँ आप यही सोच रहे होंगे, सर अब क्या रह गया इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के आज मैं लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, यानी गत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं इस चैप्टर से जीव जगत के वर्गीकरण से वो आज हम देखने वाले हैं, सारे प्रश्न करेंगे, इनफैक्ट 2021 का भी प्रश्न देखेंगे। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखिए इस चैप्टर से आपको ये भी बताया था कि इस अध्याय से ज्यादा एक या दो प्रश्न आते हैं पिछले वर्षों में जो आए हुए हैं, एक या दो मैक्सिमम, है ना, किसी में तीन भी आ गए ऐसा नहीं, लेकिन अभी जो लास्ट में जो कंटिन्यूसली फ्लो जो चल रहा है उसमें जैसे 2021 में जो पेपर हुआ था अभी 12 सितंबर को जो हुआ था, है ना, उसमें केवल एक ही प्रश्न आया था, तो वो भी मैं आज लेकर आया हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उससे पहले 2020, 2019, 2018, 17 इनमें जो प्रश्न आए हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब क्या होगा कराने का तरीका, और लास्ट में क्विज भी आएगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, लास्ट में क्विज भी होगा। देखिए तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, आपके सामने होगा प्रश्न, ठीक है, आपने क्या करने हैं, आंसर्स देने हैं, मतलब आपने कमेंट में अपने आंसर लिखने हैं, ठीक है, और साथ ही अपने साथ एक कॉपी रखिएगा और उसमें अपने आंसर्स लिखते जाइएगा और लास्ट में टोटल करिएगा कि आपके कितने सही हुए लास्ट में, और फिर जरूर बताइएगा कि कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें, हाँ जी रेडी है, ठीक है, ये जरूर करना जो मैंने अभी अभी आपको बताया, कॉपी अभी अगर नहीं रखी है तो जल्दी से रख लो कॉपी पेन, है ना, और 60 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलेगा, 60 सेकंड का आराम से तसल्ली से करिएगा, 60 सेकंड्स मिलेंगे यानी एक मिनट मिलेगा आपको एक प्रश्न करने के लिए, ठीक है, लगभग 25 एक प्रश्न होंगे, ये हम सारे करेंगे, ठीक है, बताएं रेडी है, चलें आइए स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा जी पहला प्रश्न नीट 2021 का, 60 सेकंड का समय मिलेगा, सोच समझ कर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन पूछा है यानी तीन है गलत। पहला, मैं कथन बोलता जाता हूं, दो कोशिकाओं के संलयन को केंद्रक संलयन कहा जाता है, पहला कथन। दूसरा, अचल युग्मकों पर दो चल युग्मकों के बीच जीव द्रव्य के संलयन को कोशिका द्रव्य संलयन कहा जाता है। तीसरा, जो जीव जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। चौथा, कुछ जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को आच्छद कोशिका कही जाने वाली विशिष्ट कोशिकाओं में स्थिरीकृत कर सकते हैं। चार कथन है जिसमें से तीन गलत हैं, एक सही है, सोचिए। मैं बिल्कुल साइड में हो जाता हूं ताकि आपको पूर्ण रूप से दिखाई दे, दिख रहा है ना, लगाएं बेटा जल्दी से, 10 सेकंड है, जल्दी सही कथन छांटना है, सही कथन छांटना है, तीन गलत हैं। चलिए जी समय हो गया समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला यहां पे पूछा क्या है बेटा, नीट 2021 का ये प्रश्न है ना, देखिए यहां पर पूछा था सही कथन बताओ भैया, तीन गलत है। आइए सबसे पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ, दो कोशिकाओं के संलयन को केंद्रक संलयन कहा जाता है, जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, दो कोशिकाओं के संलयन को केंद्रक संलयन कहेंगे या दो केंद्रकों के जुड़ने को केंद्रक संलयन कहेंगे। आप सीधा बोलेंगे सर केंद्रकों के जुड़ने को केंद्रक संलयन बोला जाता है, कोशिकाओं के जुड़ने को थोड़ा ना केंद्रक संलयन बोलते हैं, तो सीधा सीधा ये गलत हो गया। कैसा हो गया ये, सर ये गलत हो गया है, हाँ जी ये गलत हो गया। आइए पहले तीसरा देख लेते हैं एक बार, जो जीव जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, बताएं मुझे जरा मृतोपजीवी कौन होते हैं, जो जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं या मृत शरीर से पोषण लेते हैं, सोचो दिमाग लगाओ, वो जीव जो जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं वो परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी नहीं होते, या परपोषी होते हैं, मृतोपजीवी नहीं होते, मृतोपजीवी मृत शरीर से पोषण लेते हैं, ये भी भैया गलत हो गया, है ना। एक बार चौथा देखते हैं, कुछ जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, यस कुछ जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं, स्थिरीकृत करते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं, यस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब आप मुझे बताएं वो जीव जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर रहे थे, जैसे याद करिए नॉस्टॉक एनाबिला, कुछ नील हरित शैवाल थी, ब्लू ग्रीन एल्गी थी, याद आ रहा है, साइनोबैक्टीरिया थे वो, याद करिए मैंने आपको बताया था हेटरोसिस्ट, याद आ रही है,
याद आ रही है हेटरोसिस्ट कुछ कोशिकाएं थी याद आ रही है जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा था, लेकिन ये तो बोल रहा है आच्छद कोशिका में हो रहा है। अरे भैया आच्छद कोशिका इज डिफरेंट, आच्छद कोशिका अलग कोशिकाएं होती है, हेटरोसिस्ट कोशिकाएं होती है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, खत्म। तो ये भी गलत हो गया। अब इतना तो समझ में आ गया कि तीन हमने गलत छांट लिए, तो एक हमारा सही कौन सा हो गया, सेकंड। तो सेकंड हमारा सही आंसर है, सही कथन है। अब इस कथन में था क्या ये भी तो समझना पड़ेगा। इस कथन में लिखा हुआ है कि भैया दो युग्मक है, दो युग्मक है, ठीक है। अब वो युग्मक जिसमें से एक बोल रहा है एक अचल युग्मक है, एक अचल युग्मक है, मान लेते अंडाणु है, ठीक है, और बोल रहा है दो चल युग्मक है, यही लिखा हुआ ना, अचल युग्मकों पर दो चल युग्मक, ये अचल युग्मक अंडाणु, इस पर दो चल युग्मक आए, आ गए दो शुक्राणु, ठीक है, के बीच जीव द्रव्य का क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है, यानी इसका जो जीव द्रव्य है, इसका जो जीव द्रव्य है उसका संलयन हो रहा है। अब आप मुझे बताएं संलयन मतलब जुड़ना, कौन जुड़ रहा है, जरा सोचिए, इसका जीव द्रव्य, इनका जीव द्रव्य जुड़ रहा है, तो जीव द्रव्य किसका भाग है, कोशिका का ना, यानी कोशिका ही तो फ्यूज हो रही है, कोशिका द्रव्य ही तो यहां से यहां जा रहा है, तो क्या मैं इसको कोशिका द्रव्य का संलयन ही बोलूंगा, यस बिल्कुल बोलूंगा, तो ये क्या है, एक तरीके का कोशिका द्रव्य संलयन ही तो है, यस बिल्कुल है, प्लाज्मोगैमी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, प्लाज्मोगैमी, तो बिल्कुल सही है। दो युग्मक जब संलयन करते हैं तो उनका क्या जुड़ रहा है, सर कोशिका द्रव्य है, सिंपल सा था, ये बिल्कुल सही कथन है, ये था बेटा जी, सोचिए इतना सिंपल सा प्रश्न इस अध्याय से संबंधित था, ठीक है। हाँ जी, तो इस अध्याय से कैसे संबंध था, देखिए ये वाला कथन इस अध्याय से था या नहीं था, हेटरोसिस्ट, ये वाला कथन इस अध्याय से है या नहीं है, मृतोपजीवी वाला, ये हालांकि इस अध्याय से नहीं है और अध्यायों से है, लेकिन इन दोनों का कथन का संबंध इस अध्याय से, इन दोनों का किसी और अध्याय से, कोशिका वाले से है या जनन वाले से है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर से संबंध मिलेगा, लेकिन आंसर तो मेरे भाई यही है सही, कि जब आपको पता है कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो जीवित जीवों से पोषण नहीं लेंगे, मृत जीवों से पोषण लेंगे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहां हो रहा है, विशेष प्रकार की कोशिका हेटरोसिस्ट कोशिका थी, बताओ सिंपल सा था। आई होप ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा और प्रश्न का आंसर भी, क्या पता आप में से कितने बच्चों ने सही लगाया, लगाते जाइएगा, ठीक है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब ये एक ही प्रश्न आया था 21 में, 2021 में, अब इसके पहले वाले जितने भी प्रश्न हैं अब हम करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वायरॉइड के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वायरॉइड पढ़ाया था, वायरॉइड के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वायरॉइड के विषय में, उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए होता है, पहला ऑप्शन, उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डीएनए होता है, दूसरा ऑप्शन, उनमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है, तीसरा ऑप्शन, उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है, चौथा ऑप्शन, सोच समझकर लगाएं इन चार में से क्या होगा। सभी के सभी बच्चे लगाएंगे इन चार में से क्या सही है, वायरॉइड के विषय में, वायरॉइड या विरियोइड बोल दीजिए, वायरॉइड बोल दीजिए, एक ही चीज है। चलिए जी समय हो गया समाप्त, अब आप मुझे बताएं, मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था ना वायरस विषाणु, याद करिए, वायरस में से अगर आप प्रोटीन का आवरण हटा दोगे तो क्या बचेगा, न्यूक्लिकम, और पर्टिकुलरली कौन से न्यूक्लिकम की बात करते हैं हम, आरएनए की, एक ऐसा आरएनए जिसका आणविक भार भी कम होगा, किससे, वायरस से, यस, ये वायरॉइड किससे बना हुआ है, संक्रमणशील आरएनए से, जो पादपों को संक्रमित करता है, नहीं बताया था, बताया था ना, अब खुद छाट लो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वायरॉइड जिनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है, खत्म, प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है, सीधा सीधा, प्रोटीन आवरण नहीं मिल रहा और स्वतंत्र क्या मिल रहा है, आरएनए मिल रहा है, बोला था ना, बोला था, बताओ, ये रहा चौथा ऑप्शन सही था,
देखते जाओ किसके कितने सही हो रहे हैं। चलें आगे बेटा, नेक्स्ट प्रश्न। अब ये किसका था, ये हमारा 2020 का था। देखते जाइएगा आप कितनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे भी तो पता लगेगा ना कि भैया नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, कैसी चल रही है ना, कैसे पता लगेगा। ये लेकर आऊंगा, ईमानदारी से आंसर करिएगा, ईमानदारी से, हर बार बोलता हूँ ईमानदारी से करिएगा। ईमानदारी से करेंगे तो सीधी सी बात है आपको अपना रिजल्ट पता लगेगा, कितने सही जा रहे हैं, कितनी सही पढ़ाई करी है आपने। चलिए दूसरा प्रश्न लेकर आते हैं, हालांकि तीसरा है, मैंने उसको कोई संख्या नहीं दी थी 2021 वाले को, यहां से पहला मैंने स्टार्ट किया था, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न। साइनोबैक्टीरिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? साइनोबैक्टीरिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वे प्रकाश स्वपोषी होते हैं साइनोबैक्टीरिया, उनमें हेटरोसिस्ट का अभाव होता है, वे प्राय प्रदूषित जलाशयों में प्रस्फुटन करते हैं, उनमें हरित पादपों के समान क्लोरोफिल ए होता है। नीट 2020 का है ये प्रश्न, बताना है आपने साइनोबैक्टीरिया के विषय में कौन सा कथन गलत है। यानी तीन कथन आपके सही हैं और एक कथन आपका गलत है। अब आपको बताना है कौन सा कथन यहां पर गलत है और तीन कौन से सही हैं। छांटे जल्दी से, चलिए समय हुआ समाप्त, बहुत सिंपल सा था। हाँ जी बेटा, साइनोबैक्टीरिया प्रकाश स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। प्रदूषित जल में ये फटाफट अपनी मात्रा को बढ़ा लेते हैं, क्यों? क्योंकि प्रदूषित जल का मतलब जिसमें आपका कार्बनिक पदार्थ होएगा, घर का कूड़ा कचरा डाल दोगे तो उसमें क्या होएगा, हमारा कार्बनिक पदार्थ होएगा, प्रोटीन। सोचिए मैं सब्जी लेकर आया, उसके छिलके निकाल दिए, उसके छिलकों में क्या है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन जब पानी में डाल देंगे वो कूड़ा कचरा, तो उसमें जो पानी में जो शैवाल है उनको तो खाना मिल गया, वो तो फटाफट अपनी संख्या बढ़ाएंगे। यस, वो प्रदूषित जल है, यस बिल्कुल अपनी संख्या बढ़ाएंगे। इनमें हरित पादपों के समान क्लोरोफिल ए होता है, यस होता है। अब सीधा सा आंसर था, हेटरोसिस्ट क्या थी, एक ऐसी कोशिका है जिनमें क्या हो रहा था, अभी अभी बताया था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता क्या साइनोबैक्टीरिया में? होता है, होता है, ये बोल रहा है नहीं होता, होता है। ये गलत कथन था और यही छांटना था, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं और हमें बहुत सारे प्रश्न करने। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? विरोइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है, प्रायोन में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीन होती है। जल्दी से लगाएं बेटा जी, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है? ये पूछा गया नीट 2019 में, यानी 2021 में एक प्रश्न, 2020 में दो प्रश्न, अब 2019 में ये पहला है। सोचिए जल्दी से कौन सा कथन गलत है, यानी तीन कथन सही है, जल्दी से लगाइए फटाफट। कर लिया, चल कौन सा कथन गलत पूछा। अब देखिए वापस से किससे पूछा गया, विषाणु विरोइड है ना, उससे। विरोइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, यस होता है। विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, यस परजीवी होते हैं, अंदर जाकर अपनी संख्या को बढ़ा रहे, परजीवी है। विषाणु में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है, ना रे, कौन था, न्यूक्लिक अम्ल था, ये कथन गलत है। एक बार चौथा पढ़ लेते हैं, प्रायोन्स में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीन होती है, यस प्रोटीन ही तो थी, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड। विषाणुओं में संक्रामक संक्रमण कौन कर रहा था, विषाणुओं में, वायरस में कौन था, प्रोटीन था क्या, नहीं, अंदर न्यूक्लिक अम्ल था, यहां पर बोल रहा है प्रोटीन था, गलत है, खत्म। चलिए जी आगे चलते, नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, अगेन वापस से कौन सा कथन गलत है? मॉरल्स और ट्रफल्स खाने योग्य होते हैं, क्लेविस्पस बहुत से एल्केलॉइड और एलएसडी का स्रोत होता है, कोनिडिया बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं और एस्को बीजाणु अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, यीस्ट को लंबे धागे नुमा कवक तंतु वाली तंतु में काय होती है,
गलत कथन पूछा है आपसे, सोच समझ कर लगाइएगा। ऑप्शंस ध्यान से पढ़ें। 2019 का है ये भी, यानी दो प्रश्न हो चुके हैं 2019 के। चलिए जी, क्वेश्चन था कौन सा कथन गलत है, यानी तीन कथन आपके सही हैं, ठीक है। देखिए, अरे आंसर आ भी गया, माफ करिएगा मैं पहले ही आंसर लगा दिया है। देखिए, मॉरल्स और ट्रफल्स एक प्रकार की क्या होती है, मशरूम्स होती है, खाने योग्य होती है। क्लेविस्पस, क्लेविस्पस याद रखना, एक जीव जिससे एल्केलॉइड और एलएसडी, अब ये क्या होती है याद रखना, एल्केलॉइड द्वितीय उपापचय पदार्थ होते हैं, एक ऐसे पदार्थ जो उत्पन्न हो रहे हैं किसमें, एक जीव में जिसकी जरूरत नहीं थी, अनिवार्य नहीं होते हैं लेकिन उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, द्वितीय उपापचय पदार्थ, जो हम वनस्पति जगत पढ़ेंगे तब बताऊंगा। एलएसडी एक प्रकार की ड्रग होती है, 12वीं कक्षा में आप पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा सही है, क्लेविस्पस जो होता है जिससे हमें एल्केलॉइड और एलएसडी मिलते हैं, ड्रग्स मिलती है। कोनिडिया बाहिर्जित रूप से उत्पन्न होते हैं, कोनिडिया शरीर के बाहर उत्पन्न होते हैं, याद करिए पेनिसिलियम, याद आ रहा है, कहीं कोनिडिया निकाले थे, बाहर उत्पन्न हुए थे, यस होते हैं। जबकि एस्को बीजाणु जो होते हैं वो अंतर जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यस बिल्कुल सही है, कोनिडिया बाहर होते हैं और एस्को बीजाणु अंदर होते हैं। एस्कस याद नहीं आ रहा, एस्कस कहां थे, थैलीनुमा कवक के अंदर थे या नहीं थे, यस ये भी सही है। आखिरी, यीस्ट को लंबे धागे नुमा कवक तंतु वाली तंतुमय काय होती है, अरे भैया एकल कोशिकीय जीव है, एकल कोशिकीय कवक है, क्या तंतुमय काय बनाता है, क्या बहुत सारे तंतुओं से बना होता है, एक ही तो होता है, एकल कोशिकीय होती है, बताओ सिंपल सा था या नहीं था। यीस्ट एक लंबी सी, अरे ये रहा यीस्ट, ये यीस्ट है, क्या तंतु में संरचना है, इसका काय जो है तंतु में, तंतु का मतलब ये तंतु, ये तंतु, ये तंतु, इस तरीके से ये तंतु में संरचना, ये तो एकल कोशिकीय संरचना है, ये कथन गलत है और यही पूछा था, गलत, खत्म। आगे पढ़ते हैं बेटा जी, नेक्स्ट प्रश्न। आपको स्तंभ पहले को स्तंभ दूसरे से मिलान करनी है, स्तंभ पहले की स्तंभ दूसरे से मिलान करनी है। मृत जीवी पर जीवी लाइकेन कवक मूल, इधर दे रखे हैं मृत जीवी पर जीवी लाइकेन कवक मूल, और इधर लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नहीं है, मिलान करना स्तंभ दो में लिखा हुआ है, पादप जड़ों के साथ कवकों का सहजीवी संबंध, मृत जैव पदार्थों का अपघटन, जीवित पादप एवं जंतुओं पर रहने वाला शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध, मिलान करना है, ऑप्शन आपके सामने इधर है ए बी सी डी, करें, बहुत सारा टाइम है अभी। अब जल्दी से करिए, टाइम थोड़ा सा रह गया है। चलिए, समय हुआ समाप्त। अब देखिए बेटा, नीट की जब प्रिपरेशन करनी होती है तो ऑलमोस्ट ना, मैं ये बोलूंगा कि जो सीरियस बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, नॉलेज सभी के पास ऑलमोस्ट सेम सेम होती है, सब कुछ पढ़कर आते हैं, उनकी बात कर रहा हूं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, उनकी, जो सीरियस नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो सीरियस पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट नॉलेज बराबर होती है। तो फिर सिलेक्शन में डिफरेंस इस वजह से आ जाता है, क्या कि वो टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं। बायोलॉजी में ये नहीं सीखना, आपको रटना नहीं है, आपको ये समझना है कि कौन से प्रश्न को आप कितनी जल्दी कर सकते हैं नीट के एग्जाम में। जिसने ये समझ ली ना चीज, उसका सिलेक्शन तय हो जाता है। इस साल भी पेपर यही था, लेंदी था, हमें सोचना था कि कितनी जल्दी हम पेपर कर लेंगे बायो का, क्योंकि कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधी चीज याद है तो आप लगा देंगे, नहीं याद तो आप नहीं लगा पाएंगे। अब था मृत जीवी, मृत जीवी क्या होते हैं भैया, जो मृत पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं, यानी ए का टू था। अब साहब ए का टू यहां पर इधर नहीं है, इधर नहीं है,
ना ए में है ना बी में है, सी और डी दोनों में है, ए का टू ए का टू, ठीक है। अब बी का वन है, यहां बी का थ्री है। अब मैं सीधा बी पर आऊंगा। बी है परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं, किसके लिए? पोषण के लिए। जीवित पादपों और जंतुओं पर रहने वाले, हाँ खत्म, जीवित पादपों और जंतुओं पर रहने वाले। अब यहां पर बाकी ऑप्शंस देख लीजिए। शैवाल और कवकों का सहजीवी संबंध परजीवी होता है? नहीं। पादप जड़ों के साथ कवक का सहजीवी संबंध परजीवी होता है? नहीं। खत्म। बी का क्या हो गया? थर्ड। अब बी का थर्ड यहां पर नहीं है, यहां पर है, मींस मेरा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है और निकल भी गया करेक्ट। अब जरा सोचिए, मुझे जरूरत नहीं पड़ी सी और डी को देखने की, ये तरीके आपको थोड़ा सा फास्ट फास्ट करने पड़ेंगे नीट के एग्जाम के लिए। तो बेहतर ये रहेगा कि अभी से ही ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। यही क्वेश्चंस हैं जो टाइम कंज्यूम करते हैं नीट के पेपर में, ऐसे क्वेश्चन, स्तंभ मिलान करने वाले, कौन सा गलत है, ऐसे ना क्वेश्चन, घूमे हुए क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा सा टाइम खा जाते हैं। बस इन्हीं की तो प्रैक्टिस करनी है, दिमाग तो हमारे पास बहुत है, हम सब कुछ पढ़ लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए बेटा जी, ये था सिंपल सा हमारा प्रश्न, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रोकैरियोटिक नहीं है? प्रोकैरियोटिक नहीं है। इसमें मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड दूंगा, जैसे ही 30 हो जाएंगे मैं आंसर बता दूंगा, जल्दी से निकालिए फटाफट, 10 सेकंड है आपके पास। कौन प्रोकैरियोटिक नहीं है, यानी यूकैरियोट की बात करी हुई, यहां पर यूकैरियोट कौन है? चलो 5 सेकंड और दे रहा हूं, बस जी हो गया, बहुत टाइम दे दिया। ये बहुत सिंपल प्रश्न था, इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक नहीं है, यानी चार ऑप्शन में से कौन एक प्रोकैरियोटिक नहीं है, यानी तीन प्रोकैरियोटिक हैं। नॉस्टॉक, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, मोनेरा जगत में था, प्रोकैरियोट है, यस है। माइकोबैक्टीरियम नामी बैक्टीरिया आ रहा है, यस है। ऑसिलेटोरिया नीलहरित शैवाल होता है, अब जिसको नहीं पता वो गलती कर बैठेगा, लेकिन इतना तो याद करिए, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या थी? कवक थी, यीस्ट थी, याद आ रहा है? यीस्ट क्या थी? कवक थी। और कवक कैसी होती है? यूकैरियोटिक। खत्म, आंसर आ गया सीधा सीधा, कौन ये यूकैरियोटिक। ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्न को करने में कितना समय लगता? 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड, ठीक है। तो स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आपको सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? महासागरों में मुख्य उत्पादक, याद करिए, बताया था, इस पृथ्वी पर मेन उत्पादक कौन है, सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है, जो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कर रहे थे वो कौन है? साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट, युगलिनॉइड। तुरंत जल्दी से जवाब दीजिए, कौन थे मुख्य उत्पादक? बताया हुआ ये तो, और बहुत ही इजी प्रश्न है, 2018 का है ये। चलिए जी, कर लिया सभी बच्चों ने, कर लिया, बता दूं इसका आंसर, याद करिए, जब मैंने क्राइसोफाइट पढ़ाया था तो उसके अंतर्गत कौन आए थे? सर सुनहरे शैवाल, जिनको हम डेस्मेट बोलते हैं, है ना, और डायटम्स, मेन कौन थे? डायटम्स। और ये भी बताया था, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? डायटम्स। तो डायटम्स आपके क्या है? मुख्य उत्पादक है इस पृथ्वी पर। अब इस पृथ्वी पर स्थल मंडल में नहीं, जलमंडल में इन कौन बना रहा है? महासागर बना रहा है। तो सागर में, महासागरों में डायटम्स मेन उत्पादक है। सिंपल, चलें आगे। नेक्स्ट बेटा जी, 8वां प्रश्न। असत्य कथन को चुनना है, यानी तीन सत्य हैं और एक गलत है, यानी गलत चुनना है आपने, तीन छांटिए कौन से सही हैं और एक गलत बताएं फटाफट। स्पोरोजोआ में पादाब चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं होती है, पहला। छत्रकों का संबंध बेसिडियोमाइसिटीज से है। कवक और पादप जगत के सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। मोनेरा को छोड़कर सभी जीव
जगतों की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया एक शक्ति ग्रह होता है। जल्दी से मुझे बताएं कौन सा गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। ऑप्शंस पढ़ लीजिए बेटा पूरे और सोच समझकर आंसर लगा दें। आज पता लगेगा आपने कितने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, वाकई हकीकत पता लगेगी। हाँ जी, कर लिया। चलिए, असत्य पूछा था यानी गलत पूछा था। पहला ऑप्शन देखते क्या लिखा हुआ। स्पोरोजोआ में पादाब चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं होती है। लो जी, पहला गलत कथन ही गलत है। याद करिए, प्रोटोजोआ थे, प्रोटिस्ट थे, जिसके 4 समूह थे। कौन से थे? पक्षमा भी था, कशाभिकीय था, अमीबीय था और स्पोरोजोआ था। पक्षमाभि में पक्षमाभि मिल रहे थे चलने के लिए, कशाभिकीय में कशाभिका मिल रही थी चलने के लिए, अमीबीय में कूटपाद मिल रहे थे, कूटपाद या पाद मिल रहे थे चलने के लिए, और स्पोरोजोआ क्या था? जिसमें कोई भी गमनंग नहीं था। ये बोल रहा है स्पोरोजोआ के पास पाद होते चलने के लिए। अरे भैया गलत, स्पोरोजोआ के पास कुछ होता ही नहीं, हो तो वाहक के द्वारा जाता है, गलत है। और यही आंसर है। लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा सीधा सीधा आंसर है, सीधा सीधा आंसर है। बाकी कवक पादप में कोशिका भित्ति होती है, होती है। मोनेरा को छोड़कर, मोनेरा में प्रोकैरियोट है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति ग्रह नहीं होता है, बाकी सब जगत में होता है। छत्रकों का संबंध बेसिडियोमाइसिटीज से, छत्रक यानी वो मशरूम जैसी संरचना बेसिडियोमाइसिटीज में थी। हाँ जी बिल्कुल थी, छतरी के जैसी। खत्म, 3 सही है, ये गलत था। आगे बढ़ते, नेक्स्ट। सीलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोआ से किस प्रकार भिन्न है? सीलिएट्स, सीलिएट्स यानी पक्षमाभि। पक्षमाभि का उदाहरण पैरामीशियम, इतना मैंने हिंट दे दिया, अब लगाइएगा। बाकी प्रोटोजुआ से कैसे अलग थे पक्षमाभि प्रोटोजुआ? ये शिकार को पकड़ने के लिए पादाब का प्रयोग करते हैं। इनमें अतिरिक्त जल को निकालने के लिए संकुचनशील शीलधानी होती है। ये गमन के लिए कशाभिका का प्रयोग करते हैं। इनमें 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं। सोचिए कैसे पक्षमाभि प्रोटोजुआ अन्य प्रोटोजोआ के समूह से अलग थे। आखिर ऐसी यूनिक चीज क्या मिल रही थी पक्षमाभि प्रोटोजोआ में? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते हैं आप में से कितने बच्चों ने सही किया। देखिए यहां पर पूछा था सीलिएट्स यानी पक्षमाभि प्रोटोजोआ दूसरे प्रोटोजोआ से कैसे अलग है, ये पूछा था। अब देखिए पक्षमाभि प्रोटोजोआ में पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? ये शिकार को पकड़ने के लिए पादाब। पहली बात तो इनमें पादाब नहीं होते थे, पादाब यानी कूटपाद अमीबिये में होते थे, इनमें तो होते ही नहीं थे। चलो जी गलत। इनमें अतिरिक्त जल को निकालने के लिए संकुचनशील धानी होती थी। याद रखिए, जल जब ज्यादा हो जाता था तो उसको निकालने के लिए संकुचनशील धानी किसमें थी? याद करिए, अमीबा में, अमीबा अमीबीय प्रोटोजोआ में आता था, इनमें नहीं आता था, इसमें तो पैरामीशियम आता था। ये गमन के लिए कशाभिका का प्रयोग करते हैं, नहीं पक्षमाभ का उपयोग करें, सीलिया नहीं लिखा हुआ, सीलिएट, सीलिया याद आ रहा। इनमें 2 प्रकार के केंद्रक थे, यस याद करिए, पैरामीशियम 2 केंद्रक थे या नहीं थे? एक बड़ा था, एक छोटा था, नहीं बताया था, बताया था ना, एक लक्षण था या नहीं था? बिल्कुल था, बोला था, लिखवाया था आपको, बोला था, लिख लीजिएगा। लो जी आंसर हो गया आपका ये। अब ये करेक्टर किसी और कशाभिकीय में था, आपके स्पोरोजोआ में था, अमीबीय में था, नहीं था ना, ये किस में मिल रहा था? पक्षमाभि प्रोटोजोआ सीलिएट्स में मिल रहा था। खत्म। चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट 10वां प्रश्न। निम्न में कौन सा अव्यय जीवाणुवीय कोशिका को चिपकाने की विशिष्टता प्रदान करता है? कौन सी संरचना है एक जीवाणु की कोशिका में जो उसको चिपकाने के लिए सहायता करेगी? सोच समझ कर करिएगा, सोच समझ कर करिएगा। एक जीवाणु को किसी चीज से चिपकना है तो उसके पास क्या है? कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ग्लाइकोकैलिक्स। सोच समझ कर करेंगे आप, आसानी से कर लेंगे। तो नहीं भेजा जा रहा यार, ये तो जब
सोचिए जल्दी से, कोशिका भित्ति है, केंद्रक झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है या ग्लाइकोकैलिक्स है? कौन एक जीवाणु को चिपकने की विशेषता प्रदान कर रही थी? चलिए जी, समय हो गया, अब आप मुझे बताएं, एक जीवाणु में चिपकने के लिए जो संरचनाएं थी, आप बोलेंगे सर चिपकने के लिए जो संरचनाएं थी उनका नाम जो था वो क्या थे? याद करिए, झालर थे। याद आ रहा है? याद करिए, झालर बताए थे, रोम झालर, कुछ याद आ रहा है? यस सर, झालर थी जो किसी ठोस जगह से चिपकाने में सहायता करती है। प्रभु यहां चार ऑप्शन में कहीं झालर है? नहीं है ना, ठीक है। अब झालर की बात ही नहीं कर रखी यहां पर, अब क्या करें सर, झालर तो नहीं। अब जरा सोचो, एक जीवाणु में सबसे बाहरी संरचना, भाई मैं अगर इस बोर्ड से अगर चिपकूंगा तो मेरी शरीर की सबसे बाहरी स्तर ही तो चिपकवाएगी ना, सोचो। तो अब आप खुद सोचिए, एक जीवाणु में सबसे बाहरी स्तर कौन सी थी? दिमाग लगाए, क्या प्लाज्मा झिल्ली थी? नहीं। क्या कोशिका भित्ति थी? नहीं। कौन थी? ग्लाइकोकैलिक्स थी। तो ग्लाइकोकैलिक्स, हालांकि मैंने इसका कार्य आपको बताया था कि यही रिस्पॉन्सिबल होती है संक्रमण के लिए, याद आ रहा है? तो अगर किसी जीवाणु के पास क्या नहीं है बेटा जी, आपके झालर नहीं है, फिर भी वो चिपकना चाहता है, तो ये सहायता कर देती है किसमें? चिपकवाने में, याद रखना ये भी, ठीक है। चले आगे, चलिए जी आगे चलते हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि एक एक बिंदु जो मैं पढ़ाऊं उससे एग्जैक्टली प्रश्न आ जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोचने वाले होते हैं। अब जरा सोचिए, मैंने ये नहीं बताया था ना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो आप आंसर बता सकते थे कैसे, कि सर यहां पर झालर तो दे नहीं रखा, चलो ठीक है झालर चिपकवाता था। अब कोई चीज अगर चिपक रही है तो सबसे पहले उसको चिपकवाएगा कौन? उसकी सबसे बाहरी स्तर चिपकवाएगी, सोचिए खुद सोचिए। अब एक कोशिका चिपक रही है तो उसका केंद्रक थोड़ी ना चिपकवाएगा, जो सबसे बाहरी स्तर होगी वही तो चिपकवाएगी। अब सबसे बाहरी स्तर कौन थी? ग्लाइकोकैलिक्स, तो चिपकवाएगी, खत्म। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती है? ये पादपों और जंतुओं में रोगजनक होते हैं, बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। अरे भैया, अगर इसकी पहली लाइन ही पढ़ लोगे तो विद इन 5 सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। इस पृथ्वी पर सबसे छोटी जीवित कोशिका, जल्दी से करो, ज्यादा समय नहीं दूंगा इसमें, 5 सेकंड या 10 सेकंड और मैक्सिमम। बेसिलस स्यूडोमोनास माइकोप्लाज्मा नोस्टॉक, कर लिया, सभी ने लिख दिया है, आंसर लिख दिए हैं। चलें बस सीधा सीधा बेटा, सबसे छोटी कोशिका कौन? माइकोप्लाज्मा, याद करिए। मोनेरा जगत में एकमात्र ऐसे जीव जिनके पास कोशिका भित्ति नहीं थी, याद करिए, कोशिका भित्ति नहीं थी, और ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, यानी ये अवायवीय श्वसन कर सकते हैं। कौन? माइकोप्लाज्मा, याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। चलें आगे, चलिए जी, ये तो बहुत सिंपल सा हलवा था, ये तो बहुत ज्यादा। आइए बेटा जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, वापस से वायरॉइड आ गया। वायरॉइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें, सोचिए, 2017 में भी था, 2020 में भी था, 2019 में भी था, वायरॉइड विषाणुओं से अलग है क्यों? चार ऑप्शन है, सोचिए जल्दी से, धन देनी सी आंसर लगा दीजिए फटाफट। प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं, प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं। वही सेम टू सेम प्रश्न है 2019 का, बस थोड़ी सी लैंग्वेज आगे पीछे कर दी है, बस सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न। वहां पर पूछा था वायरॉइड का क्या अभिलक्षण है, यहां पर पूछा है वायरॉइड विषाणुओं से कैसे अलग है, क्या बताया था मैंने आपको, जल्दी से सोचिए फटाफट। चलो जी, समय भी हो गया समाप्त। बेटा मैंने आपको बताया था कि भैया वायरॉइड जो होते हैं वो वायरस से यानी विषाणु से अलग होते, कैसे? वायरस में प्रोटीन आवरण मिलता है, इनमें प्रोटीन आवरण नहीं मिलता। वायरस में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे, मैंने बताया था एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों एक साथ नहीं होंगे, लेकिन यहां पर वायरॉइड में
सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक अम्ल जो मिलता है वो कौन होता है? आरएनए। तो बिना प्रोटीन आवरण के क्या मिलता है? आरएनए अणु जो होता है, जो संक्रमण फैलाता है, उसे हम वायरॉइड बोलते हैं। खत्म, खलास। सेम टू सेम 2019 का बिल्कुल हूबहू प्रश्न आया है कि नहीं आया? बिल्कुल आया है। क्या करूं मैं, आया है, आता है ऐसा। ठीक है, चलिए जी, यही किया था, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं, यानी मैंने आपको याद करिए एक वर्ड बोला था, चरम प्रतिकूल परिस्थिति में, जो बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंच जाते प्रतिकूल परिस्थिति, उसमें कौन मिलते हैं? सबसे पहला आद्य बैक्टीरिया यानी आद्य जीवाणु, यू बैक्टीरिया यानी आपके सुजीवाणु, साइनो बैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल यानी साइनो बैक्टीरिया, और माइको बैक्टीरिया। सोचिए इनमें से कौन थे जो चरम प्रतिकूल परिस्थितियों में मिलते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न, बहुत सिंपल, ज्यादा समय नहीं, 10 सेकंड और बस। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। बहुत सिंपल सा प्रश्न, बहुत सिंपल, ज्यादा समय नहीं, 10 सेकंड और बस। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। सीधा था बेटा, देखो चरम लवणीय परिस्थिति, याद करिए हमने आधे जीवाणु आधे बैक्टीरिया पढ़े थे। आधे बैक्टीरिया यानी आधे जीवाणु तीन प्रकार के हमने देखे थे, मिथेनोजन, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स, याद आ रहे? कहां पर मिल रहे थे? चरम परिस्थितियों में मिल रहे थे, चरम प्रतिकूल, जैसे लवणीय क्षेत्रों में कौन मिल रहे थे? हेलोफिल्स। क्या थे? एक प्रकार के आधे बैक्टीरिया। खत्म, क्या एक्सप्लेन करूं, सब कुछ तो पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्टेज के। नेक्स्ट, असत्य कथन चुनना है, यानी तीन कथन सत्य हैं, एक असत्य है, एक गलत है, बाकी तीन सही हैं। सोचिए यहां पर तीन सही कौन से, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको गलत मिल जाएगा। माइकोप्लाज्मा एक भित्ति रहित सूक्ष्म जीव है, जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, रोम और झालर मुख्य रूप से जीवाणु कोशिका को गतिशीलता प्रदान करते हैं, साइनोबैक्टीरिया में कशाभिकीय कोशिकाओं का अभाव होता है। सोच समझ कर लगाइएगा, गलत पूछा है, गलत। हाँ जी, कर लिया, समय हुआ समाप्त। हाँ जी बेटा, सत्य पूछा था, सॉरी असत्य पूछा है, यानी तीन सत्य हैं, माइकोप्लाज्मा भित्ति रहित होते हैं, यस सही है, ये कथन सही है, जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई थी, यस बनी हुई थी, लिपोपॉलीसेक्राइड भी थे, पेप्टिडोग्लाइकेन भी थी, इसमें पूछे पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, हाँ बनी होती है। रोम और झालर जीवाणु कोशिकाओं को गतिशीलता देते हैं, अरे क्या रोम और झालर गतिशीलता दे रहे? मैंने बोला था, साफ साफ बोला था, रोम और झालर का काम गतिशीलता नहीं है, झालर चिपकवाने में और रोम दो जीवाणुओं को जोड़ने का कार्य करता है, गतिशीलता तो कशाभिका देती है, कौन देती है? कशाभिका देती है, जो आपके साइनोबैक्टीरिया में नहीं मिलती है, साइनोबैक्टीरिया में नहीं मिलती है, कौन? कशाभिका। ये सही है कथन, ये गलत हो गया, और ये अगर गलत है तो गलत ही पूछा था। Done. तो अब आपका एक प्रश्न और भी होगा, सर साइनोबैक्टीरिया में अगर कशाभिका नहीं होती तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं क्या वो गति कर पाते हैं? वो पानी के अंदर ना कुछ जैसे होता है ना, आपने जैसे इंग्लिश में सुना होगा पेंडुलम, जिसे लोलक बोलते हैं, क्या करता है? ऑसिलेशंस करता है इस तरीके से, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनको बेटा जी हम ऑसिलेटोरियास भी बोलते हैं, ऑसिलेटोरिया क्यों? क्योंकि ये ऑसिलेशंस करते हैं पेंडुलम की तरह,
इनमें कोई कशाभिका नहीं होती, बस अपने शरीर को आगे पीछे इस तरीके से हिलाते हैं, ठीक है, ऐसे गति करते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया। रोम और झालर गतिशीलता नहीं दे रहे थे, सिंपल सा था। चलिए जी आगे चलते बेटा जी, नेक्स्ट। अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अव्यय कौन होता है? कवक में पूछा है, जल्दी से विद इन 30 सेकंड आंसर देना है, ये आप जानते हैं, 30 सेकंड के अंदर अंदर आंसर देना है आपने। कवक में कोशिका भित्ति किससे बनी हुई थी? कवक में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से, पेप्टिडोग्लाइकेन से, सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से, किससे बनी होती है कवक में? और इसी के साथ आपका इस प्रश्न का समय भी समाप्त होता है। मैंने बोला था 30 सेकंड दूंगा, सीधा सीधा आंसर बेटा जी काइटिन। काइटिन क्या था याद करिए, मैंने बोला था कीटों की जो बाह्य कंकाल होता है काले रंग का, मकोड़ों में है ना, इनमें देखते हैं जो चींटियों में, कॉकरोच में काले रंग का जो कंकाल होता है बाहर का, वो क्या होता है? काइटिन होता है। और वही काइटिन एक पॉलीसेक्राइड होता है, किसमें मिलता है बेटा जी? आपकी कवक की कोशिका भित्ति में। याद करिए, बताया था नहीं बताया था, बोला था ना, कई बच्चे इसको चिटिन चिटिन भी बोल देते हैं ना। काइटिन किसमें मिलता है? कवक की कोशिका भित्ति में, सिंपल सा था। चलिए जी आगे चलते हैं बेटा जी, नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरॉइड के विषय में असत्य है? ये लो जी 2016 में फिर पूछा गया, वायरॉइड के विषय में असत्य है, यानी चार कथन में से तीन कथन वायरॉइड के लिए सत्य है, एक असत्य है, छांटिए कौन सा असत्य है। पहला, ये विषाणुओं से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। दूसरा, ये संक्रमण करते हैं। तीसरा, इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है। चौथा, इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। बहुत 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 सिंपल प्रश्न है, मुझे पता है आप विद इन 5 सेकंड्स में कर देंगे सभी के सभी बच्चे। अरे मुझे पता है कर दोगे आप, पूर्ण विश्वास है। अरे अपने बच्चों पर विश्वास नहीं होगा तो और किस पर होगा, मुझे पूरा भरोसा है आप कर देंगे इस प्रश्न को विद इन 5 सेकंड। जितनी देर मैंने बोला इतनी देर में तो कईयों ने कर भी दिया होगा, कर दिया ना, ज्यादा समय नहीं क्या इसमें? नहीं ना। चलिए सीधा सीधा देखते बेटा जी, वायरॉइड के विषय में गलत पूछा है, यानी तीन कथन वायरॉइड के विषय में सही है। ये विषाणुओं से छोटे होते हैं, यस छोटे होते हैं, ये कथन सही है। ये संक्रमण करते हैं, यस बिल्कुल करते हैं। किसको करते हैं? पादपों को करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग बताया था। इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, यस इनमें प्रोटीन आवरण नहीं मिलता, लेकिन इनका आरएनए जो होता है उसका आणविक भार ज्यादा होता है। क्या बोला था ना आपसे, सबसे छोटे संक्रमणशील संरचना इस पृथ्वी पर कौन है? यही है कौन? वायरॉइड, जो पादपों को संक्रमित करते। तो इनके आरएनए का आणविक भार ज्यादा होगा क्या? वायरस से भी ज्यादा होगा क्या? नहीं ना, ये तो बोल रहा ज्यादा होता है, गलत हो गया और पूछा गलत था। ये लो जी नहीं पढ़ाया, एक एक चीज पढ़ाइए, एक एक चीज, शर्ते आप ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ जी नेक्स्ट, आप खुद सोच लीजिए, क्रम वाइज मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूं प्रीवियस ईयर के, और जो पढ़ाया है उसी में से ही आ रहे हैं, पढ़ सकते हैं आप, जो पढ़ाया उसी में से ही आ रहे हैं प्रश्न। आपने कितने अच्छे से पढ़ा ये आपकी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको एक एक चीज समझाने की, अपन ने अपना रोल निभाया, आप कितना रोल निभा रहे हो ये आप पर डिपेंड करेगा, है ना। कितनी देर पढ़ रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितने समय तक पढ़ रहे हो, कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, कितने कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, ये सब आप पर डिपेंड करेगा। चलिए जी नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं मेरे भाई नीट में, असत्य असत्य असत्य, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको चार ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। असत्य पूछा है, यानी तीन सत्य हैं, तीन सही हैं और एक गलत है, जल्दी से छांटिए। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहते हैं, स्वर्णिम शैवालों को डेस्मिड कहते हैं, यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु भी कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज को शैवालीय कवक भी कहते हैं। सोचिए इस प्रश्न को मैं पूरा टाइम दे रहा हूं, सोचो गलत कथन छांटना है आप। दिमाग लगाएं, क्या है यहां पर गलत? तीन सही है, एक गलत है। चलिए जी समय हो गया समाप्त। अब पूछा था कौन सा गलत है, यानी तीन सही है, एक बार देख लेते हैं।
साइनोबैक्टीरिया को नीलर शैवाल बोलते हैं, यस साइनोबैक्टीरिया नीलर शैवाल, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, यस बिल्कुल सही है। स्वर्णिम शैवाल को डेस्मिड बोला था, हाँ जी मैंने बोला था ना डेस्मिड से सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, क्या स्वर्णिम शैवाल क्राइसोफाइट के अंतर्गत, इसके अंदर क्राइसोफाइट के अंतर्गत कौन आ रहे थे आपके डायटम्स और सुनहरी शैवाल, सुनहरी शैवाल को हमने क्या बोला था डेस्मिड, मैंने बोला था ना सिर्फ इतना ही याद रखना इससे ज्यादा पूछे नहीं जाएगा। फाइकोमाइसिटीज को शैवाली कवक बोला था, यस सबसे पहली हमने यही पढ़ी थी ना, हमने सबसे पहला कवक का जो समूह पढ़ा था वो क्या पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज, याद आ रहा है राइजोपस म्यूकर, याद आ रहा फाइकोमाइसिटीज थी उनको हमने शैवाली कवक बोला था, क्यों बोला था क्योंकि ज्यादातर पानी में मिल रही थी, याद करिए यस सही है, तीन सही है, अब पूछा गलत था ऑटोमेटिक सी बात है ये गलत हो गया। अब जरा सोचिए एक है आर्के बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया, एक आध्य जीवाणु और एक सुजीवाणु, ठीक है कौन कौन से जीवाणु आधुनिक थे और कौन से पुराने थे, कौन से असत्य हैं और कौन से सत्य हैं। तो जो पुराने होंगे ऑब्वियसली बात है उनके लिए कोई नेगेटिव चीज होगी और जो नए होंगे उनमें थोड़ी सी पॉजिटिव चीज होगी। तो यू बैक्टीरिया को हम असत्य जीवाणु बोलेंगे, नहीं उनको हम सत्य जीवाणु बोलेंगे, तो ये कथन गलत है। ठीक है अब सत्य क्यों बोला, इसने बोल रखा है कि यू बैक्टीरिया को हम असत्य बोलते हैं, नहीं यू बैक्टीरिया सत्य है जबकि आद्य जीवाणु जो है वो असत्य होते हैं। अब सत्य असत्य का मतलब क्या है यहां पर कि ज्यादातर हम जब लिपिड की देखते हैं स्तरें देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली में तो मेरे अंदर आपके अंदर हर जीव के अंदर कितनी होती है द्वि स्तर होती है, लेकिन आद्य जीवाणु में कैसी थी एकल स्तर थी, जो सत्य परिस्थिति नहीं है सभी जीवों के हिसाब से। ठीक है जो यू बैक्टीरिया में दो थी लेकिन आद्य बैक्टीरिया में एक थी, म्यूरिन नहीं मिल रहा था यानी पेप्टिडोग्लाइकिन नहीं मिल रहा था किसमें आद्य बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में मिल रहा है। ठीक है चलिए जी ये था बेटा जी 17वां प्रश्न, इसका आंसर था बेटा जी सी, आई होप यही किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्राइसोफाइट यूग्लिनॉइड डाइनोफ्लेजिलेट और अवपंख कवक किस जगत में सम्मिलित हैं बेटा जी, मैक्सिमम 15 सेकंड इससे ज्यादा नहीं, 15 सेकंड में आंसर, ए बी सी डी मैंने तो ज्यादा दे दिया। अरे भैया क्राइसोफाइट यूग्लिनॉइड डाइनोफ्लेजिलेट अवपंख कवक किस संघ से संबंधित है, अरे सीधा सीधा प्रोटिस्टा, याद करिए क्राइसोफाइट में डायटम्स और आपके डेस्मेट थे, यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना जैसे जी, डाइनोफ्लेजिलेट्स डाइनोफ्लेजिलेट्स से अवपंख कवक क्या था प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत था या नहीं था, ये सारे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं, करेक्ट आंसर क्या था प्रोटिस्टा, बताओ इसको क्या समझाऊं पूरा तुम प्रोटिस्टा जगत पढ़ चुके हो क्या क्या होता है प्रोटिस्टा जगत। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न बेटा, असत्य कथन चुनिए, अरे बाबू मार डालोगे रे, असत्य 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 कितने असत्य पूछोगे, तीन सत्य छांटो अपने आप आपको एक असत्य मिल जाएगा। पहला ऑप्शन, एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, एनिमेलिया यानी एनिमल्स, एनिमल्स यानी प्राणी यानी जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दूसरा, प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी विषम भोजी होती हैं, कुछ कवक खाने योग्य होती हैं, मोनेरा में केंद्र कला उपस्थित होती है। असत्य पूछा है, जल्दी से आंसर आएगा, बहुत ही हलवा प्रश्न है मुझे पता है, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी ये हलवा ही है। हाँ जी चलिए जी समय भी हो गया समाप्त, असत्य पूछा था यानी तीन सत्य देख लेते हैं, एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, एनिमेलिया यानी जंतु यानी प्राणी यानी एनिमल्स में कोशिका भित्ति होती है, नहीं होती है यानी ये कथन सही है अनुपस्थित होती है, हाँ ठीक है। प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी विषम भोजी होती है, प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं और विषम पोषी या विषम भोजी भी होते हैं, याद करिए डायनोफ्लेजिलेट डायटम सुनहरी शैवाल यूग्लिनॉइड ये क्या थे स्वपोषी थे प्रकाश संश्लेषी थे ना, जबकि अवपंख कवक थी प्रोटोजोआ थे ये क्या थे विषम पोषी थे जिसमें से कुछ मृतोपजीवी थे कुछ परजीवी थे, याद करिए उनको हम क्या बोलते हैं विषम पोषी, ये भी सही है ये भी सही है। कुछ कवक खाने योग्य होती है, यस अगेरिकस मशरूम क्या थी खाने योग्य थी बिल्कुल सही है, लेकिन जरा मुझे बताएं क्या मोनेरा जगत में केंद्रक
आवरण या केंद्रक कला मिलती थी क्या? अरे मोनेरा जगत है, प्रो कैरियोट है, कैसी बात कर रहे हैं? मोनेरा जगत में कहां से केंद्रक आवरण मिल गया? वो तो खासियत थी मोनेरा जगत की कि वो प्रो कैरियोट्स थे जिनमें केंद्रक आवरण केंद्रक कला नहीं मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या था? डी, यही तो पूछा था ना, असत्य ही तो पूछा था, खत्म। आइए बेटा जी नेक्स्ट आपके प्रश्न पर आते हुए, पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्थान पिंड नहीं पाया जाता है? फिर से प्रश्न पढ़ें, पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थान पिंड नहीं पाया जाता है? पहला फॉस्फेट कण, दूसरा साइनोफाइशियन कण, तीसरा ग्लाइकोजन कण, चौथा पॉलीसोम। जल्दी से मुझे बताएं कौन सा सही आंसर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें से कौन सा अंतःस्थान पिंड नहीं पाया जाता? अंतःस्थान पिंड यानी अंत कणिका, याद आ रही है? कुछ याद ही है? अंतःवृष्ट पिंड। चलो और हिंट दे दिया मैंने, अंतःवृष्ट पिंड, अंतःवृष्ट पिंड इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए जी कर लिया, समय हो गया समाप्त। आइए बेटा, पहला ऑप्शन था फॉस्फेट कण, दूसरा साइनोफाइशियन कण, तीसरा था ग्लाइकोजन कण और चौथा था पॉलीसोम। जरा सोचिए अंतःवृष्ट पिंड क्या थे, याद करिए। हमने बोला ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग नहीं हो रहा उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दो। चलो जी साइनोफाइशियन स्टार्च याद है, बताया था, याद आ रहा है, कण के रूप में मिल रहा था, पिंड के रूप में, कण के रूप में। फॉस्फेट कण के रूप में, पिंड के रूप में। ग्लाइकोजन कण कण के रूप में, पिंड। ये तीनों क्या थे? लिखा हुआ है साफ साफ हमारी बुक में, अंतःवृष्ट पिंड थे। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में थे। थे कि नहीं थे? थे। लेकिन क्या पॉलीसोम एक अंतःवृष्ट पिंड था क्या? नहीं रे, पॉलीसोम यानी बहुसूत्र। पॉलीसोम कौन था? बहुसूत्र था। और बहुसूत्र या पॉलीसोम का मतलब ही क्या था? जब एमआरएनए से आप राइबोसोम को चिपका देते हो, याद करिए राइबोसोम को आपने किससे लगा दिया था? एमआरएनए से। तो वो संरचना क्या कहला रही थी? पॉलीसोम, बहुसूत्र। क्या वो एक जगह पर इकट्ठा कर दिए थे? नहीं ना। तो ये तो पूछ रहा है प्रोकैरियोट्स में कौन सा अंतःवृष्ट पिंड नहीं है। यस, ये नहीं है। करेक्ट आंसर इज पॉलीसोम, करेक्ट आंसर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पोषी ऊतक से संयोजी होने में सहायता करती है। ये सिंपल सा प्रश्न है, 20 सेकंड्स का समय दिया, 20 सेकंड, जल्दी से आंसर आना चाहिए। वो संरचना जो जीवाणुओं को चिपकवाने में, किससे? चट्टानों से चिपकवाने में सहायता करती है। जल्दी से, चलिए जी समय भी समाप्त हो गया फटाफट, मैंने बोला था जल्दी जल्दी करना है। सीधा सीधा झालर, झालर क्या कर रही थी? चट्टानों से चिपकवा रही थी, फिम्ब्री बोलते हैं, चिपकवा रही थी। नहीं बताया था? बिल्कुल बताया, लो खत्म, खल्लास। ज्यादा समय यूज में नहीं लेना, बहुत सिंपल से प्रश्न है। देखा ठीक, देखा ठाएं, देखा ठाएं, देखा ठाएं, इस तरीके से करना है। ठाएं मतलब देखा लगाया, देखा लगाया, देखा लगाया। चलो जी नेक्स्ट, जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली कवकों कवचों की बनी होती है जो एक साथ आसंजित होते हैं? फिर से सोचिए, जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो कवच के साथ जो आपस में जुड़ी हुई हैं, एक साबुनदानी जैसी संरचना, एपिथीका हाइपोथीका कोशिका भित्ति। अब तो लगा दो रे, इतना हिंट दे दिया, अब तो लगा दो। कोई हिंट नहीं देगा लेकिन फिर भी मैंने दे दिया, लगाइए जरा जल्दी से। हाँ जी लगा दिया, समय दूं और, कर लिया, चले आगे। सीधा सीधा बेटा जी आपका कौन हो गया, जरा जल्दी से मुझे बताएं कौन? क्राइसोफाइट। जरा सोचिए, क्या मैंने आपको नहीं बताया था साबुनदानी की जैसी संरचना होती है? कौन? क्राइसोफाइट के अंदर मिलने वाले कौन? डाइएटम। एक एपिथीका ऊपर थी, एक नीचे हाइपोथीका थी, याद आ रही है? क्या थी ये? कोशिका भित्ति थी। दो आवरण थे, एक ऊपर एक नीचे कोशिका भित्ति के। साबुनदानी के जैसी संरचना थी या नहीं थी? थी ना।
नहीं बताया था, जिन दोनों कोशिका भित्ति को मिलाकर हमने फ्रिश्यूल बोला था, जिसमें सिलिका मिल रही थी जो इतनी ज्यादा कठोर थी जिसपे अग्नि का, उच्च तापमान का, आग का कोई असर नहीं था। याद आ रहा है? भूले तो नहीं है? सीधा आंसर आपका कौन? क्राइसोफाइट, जिसमें कोशिका भित्ति दो कवचों की बनी होती है जो आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट प्रश्न। गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? जल्दी से मुझे बताएं, जो जीवाणु गति करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? फिम्ब्री, कशाभिका, पक्षमाभ या पिल्ली? पिल्ली मतलब पिलाई यानी रोम। यहां पर पिल्ली कौन है? रोम है, पिल्ला नहीं है, पिल्ली। पिल्ली मतलब रोम। ठीक है, हाँ जी, जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? गति 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 गति, फटाफट सोचो, गति किसके द्वारा करते हैं? फटाफट फटाफट फटाफट, कितने सेकंड? मात्र 5 सेकंड और दे रहा हूं, जल्दी से 25 पर बंद, बंद नहीं होएगा मतलब आंसर बता दूंगा। चलिए जी, हो गया 25। हाँ जी, जीवाणु किसके द्वारा गति देते हैं? क्या उनमें फिम्ब्री मिलती है? यस मिलती है। और फिम्ब्री क्या था याद करिए? झालर था। फिम्ब्री का मतलब झालर, जो चिपकवाने में सहायता करता है। ये तो गलत हो गया। उसके बाद पिल्ली यानी रोम, ये दो कोशिकाओं को जोड़ने में सहायता करते हैं। गतिशीलता तो ये देते ही नहीं थे, कौन? फिम्ब्री और झालर, रोम और झालर। ये रोम है, ये झालर है, ये गति थोड़ा ना देते थे, गति पूछी है। अब आप बोलेंगे सर पक्षमाप तो देता था। अरे बंगड़ू, पक्षमाप जो था, क्या हमने कहीं पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पक्षमाप सीलिया मिलता है? पढ़ा ऐसा हमने? नहीं ना। कहां पर आया था? कहां आया था? पैरामीशियम। पक्षमाप भी प्रोटोजोआ में था। पक्षमाप जीवाणुओं में, पक्षमाप नहीं मिलता जीवाणुओं में, कशाभिका मिलती है। और कशाभिका क्या देती है? गति देती है। ये था हमारा 23वां प्रश्न। पक्षमाप नहीं होगा। हाँ, पक्षमाप गति देता है लेकिन जीवाणुओं को नहीं रे, पैरामीशियम जैसे जीवों को। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न बेटा जी आता हुआ। आधे जीवाणु सुजीवाणु से किससे भिन्न होते हैं? जल्दी से आंसर बताएं। आधे जीवाणु जो होते हैं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया से कैसे अलग थे? पहला, कोशिका कला संरचना, दूसरा पोषण का ढंग, तीसरा कोशिका का आकार, चौथा प्रजनन का ढंग। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका प्रश्न मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, इसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा, 10 सेकंड और दे रहा हूं। कैसे आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग थे? कौन सी संरचना अलग कर रही थी? याद करिएगा, चलिए दे दिए 10 सेकंड। अब जरा जल्दी से मुझे बताएं, देखिए आरके बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बीच में अंतर क्या था? याद करिए, मैंने अच्छे से आपको बताया था। आधे जीवाणु यू और सुजीवाणु में क्या अंतर था? सर दो चीजों का अंतर था, एक तो क्या, कोशिका का झिल्ली का, और एक कोशिका भित्ति का। देखो कोशिका भित्ति तो यहां पर दे नहीं रखी, लेकिन कोशिका झिल्ली तो दे रखी है ना। कोशिका कला संरचना, कोशिका कला कौन होती है? कोशिका झिल्ली तो होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है आधे जीवाणु में? एकल स्तरीय होती है, लिपिड से बनी हुई। लेकिन सुजीवाणु में कैसी होती है? द्विस्तरीय होती है, लिपिड से बनी हुई। कोशिका भित्ति भी अलग होती है। पेप्टिडोग्लाइकिन नहीं मिलता किसमें? आधे जीवाणु में। इनमें मिलता है, समझ में आया? तो कोशिका कला दे रखा है, यस बिल्कुल सही है। खत्म। चले लास्ट प्रश्न बेटा जी आज का लास्ट। विषाणुओं में क्या होता है? जल्दी से लगाइए, विषाणु वायरस में क्या होता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। प्रोटीन आवरण से परिबद्ध डीएनए, प्रोक प्राक केंद्रकीय केंद्रक, एकल गुणसूत्र, दोनों डीएनए और आरएनए है, बताएं। 2014 का है ये प्रश्न, सफिशिएंट होंगे इतने प्रश्न करने, है ना? आइडिया लग जाएगा आपने से कितने बच्चों ने प्रिपरेशन करी है इस चैप्टर की, पुरानी चीजें कितने बच्चों को याद है, ये सारी चीजें याद दिला दी होंगी इन प्रश्नों ने, है ना? दिला दी ना। चलो जी बेटा, विषाणुओं में क्या होता है? केंद्रक होता है? नहीं रे, कोशिका तो होती ही नहीं है। जब कोशिका नहीं होती तो गुणसूत्र तो कतई नहीं मिलेगा। क्या दोनों डीएनए और आरएनए होता है? याद करिए, मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं होते। अपवाद हालांकि मैंने आपको बता दिया, जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा हुआ है, बाद में खोज हुई है तो उसको नहीं इंक्लूड किया गया। आपने वो चीज याद नहीं रखनी, आपने ये याद रखना एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों आरएनए और डीएनए नहीं होते हैं। यस, नहीं होते हैं, दोनों आरएनए डीएनए नहीं होते हैं। प्रोटीन आवरण होता है? हाँ होता है, जिसके अंदर डीएनए होता है। हाँ डीएनए होता है। अब आप बोलोगे सर डीएनए लिखा हुआ, आरएनए नहीं लिखा हुआ, लेकिन बेटा ये तीन ऑप्शन तो सरासर गलत हो गए। ये ठीक है, कंप्लीट ठीक नहीं है, लेकिन ठीक तो है ना। डीएनए के बाहर प्रोटीन नहीं होता, होता है, वायरस नहीं होगा। आरएनए के बाहर भी होता है, लेकिन नहीं दिया ऑप्शन में, डीएनए दिया है। क्या ये गलत तो नहीं है ना? गलत तो नहीं है ना, सही है ना? हाँ सही है। डीएनए के बाहर कौन होता है? प्रोटीन होता है। यस,
सही है, बाकी तीन तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये था इसका आंसर। तो इसी के साथ बेटा जी आज हमने ये प्रश्न देखे हैं, ये प्रश्न देखे इस चैप्टर के, कौन सा, जीव जगत का वर्गीकरण, जो अब जाकर हमारे पूरे चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब मुझे श्योरिटी है इस चीज की कि आप एक प्रश्न नहीं छोड़ोगे, अगर नीट में आ गया तो एक प्रश्न अगर आ गया आप नहीं छोड़ोगे, खा जाओगे। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये भी है, ऐसे थोड़ा ना जाने दूंगा, अभी क्विज भी है। आइए बेटा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, बेटा जी पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, विषाणु का संक्रमणशील भाग होता है, जल्दी से आंसर लगाइएगा, विषाणु का संक्रमणशील भाग कौन सा था, न्यूक्लिक अम्ल था, कैप्सिड था, दोनों थे या कोई नहीं था। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा से ज्यादा इसमें तो अब तो भैया 5 से 10 सेकंड लेना, इससे ज्यादा मत लेना। कौन था विषाणु का संक्रमणशील भाग, कर लिया। दूसरा, लाइकेन किसके सहजीवी संबंध होते हैं, लाइकेन किसके सहजीवी संबंध होते हैं, कवक और पादप, शैवाल और जंतु, कवक और शैवाल, शैवाल और पादप, किसका सहजीवी संबंध होता है लाइकेन। चलिए जी समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था विषाणु का संक्रमणशील भाग होता है, कौन होता है, कितनी बार बता दिया आपको, न्यूक्लिक अम्ल होता है, कौन होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, क्या संक्रमणशील भाग, बता दिया था ना। कैप्सिड क्या था, प्रोटीन था, वो तो सुरक्षा कर रहा था। दूसरा, लाइकेन किसका सहजीवी संबंध था, बताया था आपको, कवक और शैवाल, कवक जो पानी और खनिज पोषण लाकर देगी किसको, शैवालों को, शैवाल प्रकाश संश्लेषण करेंगे, भोजन बनाएंगे, जिसका कुछ भाग कवक को दे देंगी, तो कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध था उसे हमने क्या बोला था, लाइकेन। सिंपल, आज के लिए बहुत ढेर सारे प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 25-26 और 2-27 प्रश्न कर लिए, काफी है रे, बहुत है। ठीक है, तो ये थे बेटा जी आपके प्रश्न, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अब स्टार्ट करेंगे नया अध्याय, कौन सा, वनस्पति जगत, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।